नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि दिल्ली दंगों की जांच करने वाली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए किसी बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर को या जो जासूसी उपन्यास लिखते हैं उनके राइटर्स को हायर किया हुआ है। इसीलिए उसकी कहानी में नए नए मोड़ आ रहे हैं, नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, और इसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा काल्पनिक दिखने लगी है और सच्चाई से उसका वास्ता दूर का होता जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को दिल्ली दंगों से जोड़ने, उस साजिश में फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस पहले से ही बहुत सारी फर्जी जानकारियां अपनी रिपोर्ट में, अपनी चार्जशीट में शामिल करती रही है। मगर अब उसने अपनी इस रिपोर्ट में एक नया ट्विस्ट डाला है, और वो ये कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत में कहा है कि दिल्ली दंगों में सऊदी अरब का पैसा लगा था, सऊदी अरब से पैसा आया था दिल्ली दंगों के लिए। अब सऊदी अरब का नाम आने से दिल्ली दंगों में विदेशी साजिश वाला भी एंगल जुड़ गया है, जिससे मामला और भी संगीन और भी दिलचस्प बन गया है। सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिरकार सऊदी अरब या किसी दूसरे मुल्क का नाम इसमें घसीटने की ज़रूरत उसे क्यों पड़ी? ऐसा उसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार शुरू से ही ये शोर मचा रही है कि दिल्ली दंगों में एक बड़ी साजिश हुई। क्योंकि इसलिए साजिश हुई क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में तशरीफ़ ला रहे थे, और उनकी यात्रा में विघ्न पैदा करने के लिए, उनकी यात्रा से ध्यान हटाने के लिए या सीए विरोधी प्रदर्शनों पर ध्यान खींचने के लिए ये दिल्ली दंगे करवाए गए। कौन ने करवाया है, अब ये भी हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं उसकी जांच रिपोर्ट के दौरान जो निकल कर आ रहा। बहरहाल, तो ये एक तर्क ढूंढा गया, और आप ये तो आप जानते ही हैं कि जो संघ परिवार है, बीजेपी है या ये सरकार है, वो हमेशा से हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को बाहर के पैसे से जोड़ती रही है, प्रचार करती रही है कि दिल्ली हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को, मस्जिदों को या जो धार्मिक संगठन हैं उनको सऊदी अरब से पैसा मिलता है। ये प्रचार वो सालों से करता आ रहा है संघ परिवार, और ऐसे में अब उसने अब दिल्ली दंगों को सऊदी अरब से जोड़ दिया है, तो इसको एक ये बहाना मिल गया है ये सिद्ध करने का कि हम जो कह रहे थे, देखिए वही हो रहा है और होता रहा है, अब पकड़ में आ गया। तो ये उसकी सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उससे मेल खाता है। अब वो दिल्ली दंगों की कथित जांच के आधार पर और भी ज़ोर शोर से कह सकता है कि सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी मुल्क भारत में पैसा भेजते हैं दंगे भड़काने के लिए और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। तो ये एक इस पूरे जो दिल्ली पुलिस की कवायद है उसका एक कोण ये निकल कर आता है कि सऊदी अरब को इस दंगों के साजिश से जोड़ने का क्या मतलब हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है। अब अपने इस आरोप को पुष्ट करने के लिए कि सऊदी अरब का पैसा लगा है, उसने दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया के एक छात्र मीरान हैदर को जोड़ा है इससे, और कहा है कि मीरान हैदर को सऊदी अरब से फंडिंग मिली थी, और सऊदी अरब से उसे कितनी फंडिंग मिली थी, 2,33,000 रुपये। बहुत बड़ी रकम है, सऊदी अरब ने करीब 2,33,000 रुपये मीरान हैदर को दिए कि आप दिल्ली दंगों में दिल्ली दंगे करवाइए, ठीक है। और पुलिस का कहना है कि ये खुद मीरान हैदर ने स्वीकार किया है और उसी ने ये रकम बरामद भी करवाई है। अब ये पुलिस कह रही है तो जाहिर है कि इसका इस आशय का बयान जो मीरान हैदर का जिक्र है रिपोर्ट में, वो हिरासत के दौरान ही लिया गया होगा। हिरासत में पुलिस किसी से कुछ भी उगलवा सकती है, कुछ भी कहलवा सकती है, कुछ भी कबूलवा सकती है, इसलिए उसकी कोई प्रामाणिकता कोर्ट में तो मानी ही नहीं जाती है। आम तौर पर ये देखा गया है, हम सब जानते हैं कि पुलिस एक कहानी अपनी तय कर लेती है और उसमें किसको फंसाना है, किसको निकालना है, उसके हिसाब से फिर बाकी चीज़ें तय होती हैं। अगर हमें आपको फंसाना है तो आपके घर में कोई हथियार बरामद हो जाएगा, कोई ऐसे दस्तावेज
बरामद हो जाएंगे जो संदिग्ध आपको बनाते हों, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ चीज़ें ऐसी ढूंढ ली जाएंगी, या आपकी लाइब्रेरी में हो सकता है कि कोई ऐसी किताब हो जैसे तोलस्तॉय की वार एंड पीस, जिसके आधार पर आप पर शक किया जा सकता है और उसके आधार पर पूरी कहानी बुन ली जाती है, तो और उसी आधार पर आपको गुनहगार भी ठहरा दिया जाता है। तो ये पुलिस का पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस का एक चरित्र है कि जो सरकार की तरफ से इशारे मिलते हैं या जहाँ से उसे पैसा मिलता है, घूस मिलती है, रिश्वत मिलती है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को तैयार कर लेती है, पका लेती है, जिसको कहना चाहिए। अब देखिए कि कैसे एक मामले में 12 में से 9 अभियुक्तों के कबूलनामे बिल्कुल एक जैसे पाए गए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इन 9 कबूलनामों की भाषा ही नहीं, शब्द और वाक्य विन्यास तक बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जाहिर है कि दबाव डालकर उनसे अपराध कबूलवाए गए और एक ही तरह की सारे जो कबूलनामे हैं वो लिखवा लिए गए। पुलिस ने अपनी कहानी को पुख्ता बनाने के लिए एक और मुस्लिम अभियुक्त के खिलाफ केस को मजबूत करने के इरादे से इसमें जोड़ दिया है कि दंगों की फंडिंग हुई थी, बड़े पैमाने पर हुई थी, विदेश से भी पैसा आया था और देश में भी इकट्ठा किया गया था दिल्ली के दंगे करवाने के लिए। और ये जो अभियुक्त हैं उनका नाम है, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद थे ताहिर हुसैन, उनको इससे जोड़ा गया है। आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी कंपनियों से 12 लाख रुपए, आप सोचिए कितनी बड़ी रकम उन्होंने इकट्ठी की देशभर से दंगे कराने के लिए, तो उनके जिम्मे ये आरोप भी मढ़ दिया गया। अब पुलिस ने दावा किया है कि ये दंगे अचानक नहीं भड़के थे, अपनी इसी रिपोर्ट में, जो कि हमारे गृह मंत्री भी कहते हैं, जो सरकार भी कहती है और जो सत्तारूढ़ दल के नेता भी कहते हैं, तो उनके हिसाब से ही ये पूरी स्क्रिप्ट आप देखिए लिखी गई है, पटकथा बिल्कुल वैसे ही चल रही है। तो उसमें ये लगाया कि ये एक तो साजिशन दंगे भड़काए गए, अचानक नहीं भड़के, पूरी तैयारी के साथ भड़काए गए, और ये भी कोशिश की गई कि अधिक से अधिक जान माल की हानि हो, इस तैयारी के साथ किए गए। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी तैयारी हो रही थी, इतने सारे लोग इन चीज़ों में जुड़े हुए थे, तो हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे, उनकी जो तमाम एजेंसियां हैं वो क्या घास चटने गई थी? अगर ऐन दिल्ली में इस तरह की साजिश रची जा सकती है इन लोगों द्वारा, छात्रों द्वारा, तो सोचिए कि देश भर में दूसरे हिस्सों में क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये जो पूरा प्लॉट है कहानी का, अपने आप में बिल्कुल कमज़ोर है, लचर है और ढह जाता है। असल में बात यह है कि पुलिस दंगे भड़काने वालों को पकड़ना ही नहीं चाहती, जो असली कसूरवार हैं उनको वो पकड़ना नहीं चाहती और दूसरों को पकड़कर बदनाम करना चाहती है। वो तो उन्हें पकड़कर कसूरवार साबित करना चाहती है जिन्होंने CAA के खिलाफ प्रदर्शनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार की नाकों में दम कर दिया। इसीलिए अभी तक जितनी भी जांच रिपोर्ट आई है पुलिस की या चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें कहीं भी आपको कपिल मिश्रा का नाम नहीं मिलेगा, अनुराग ठाकुर का नाम नहीं मिलेगा, प्रवेश वर्मा का नाम नहीं मिलेगा और ऐसे किसी भी कोई भी नाम नहीं मिलेगा जिसमें से हिंदू की धुनि आती हो, यानी हिंदू इस दंगे में शामिल थे या उन्होंने साजिश रची या उनके द्वारा भड़काए गए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारा दोष मुस्लिम समाज पर और ख़ासतौर से CAA के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता जिनका ताल्लुक JNU से है या दूसरे आंदोलनों से है, वो हिंदू हैं, उनके नाम जरूर जोड़े गए हैं, जैसे देवांगना कलिता हैं, एक दो नाम और आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन ये जो एक पार्टी विशेष के हैं उनके नाम आपको कहीं नहीं जुड़ेंगे, उस परिवार विशेष के हैं वो नाम कहीं नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस के ज़रिए दो काम कर रही है, एक तो ये कि CAA के ख़िलाफ़ आंदोलन को पूरी तरह से ख़त्म कर देने की कोशिश कर रही है। CAA के ख़िलाफ़ देशव्यापी आंदोलन ने सरकार की खासी किरकिरी कराई थी, अब वो नहीं चाहती कि कोरोना संकट के ख़त्म होने के बाद ये आंदोलन फिर से सिर उठाए, इसलिए वो इसे पूरी तरह से कुचल देने की कोशिश कर रही है। भले ही हमारे पूरे देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा हो, आर्थिक संकट हो, चीन से हमारी ठनी हुई हो, लेकिन ये काम वो अभी निपटा देना चाहती है। इसीलिए नए नए एंगल ढूंढकर इससे जोड़े जा रहे हैं ताकि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनकी हिरासत को लंबा खींचा जाए, उसकी अवधि को बढ़ाते रहें, जिससे जाहिर है कि हिरासत लंबी चलेगी तो उन
लोगों का मनोबल टूटेगा, उनके परिवार वाले भी टूटते जाएंगे और उनके लिए फिर दोबारा आंदोलन में भागीदारी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी मुश्किल होगा कि इतने सारे मामले उन पर पहले से ही चल रहे होंगे और उन्हें पर्याप्त रूप से बदनाम किया जा चुका होगा तरह तरह के आरोपों में। अब देख रहे हैं साजिश के आरोप भी लग रहे हैं। दूसरे मुसलमानों के साथ को फंसाकर वह उन्हें धमका भी रही है कि अगर भविष्य में सरकार विरोध किया तो सोच लीजिए अंजाम क्या होगा। जाहिर है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने की जो अघोषित नीति है सरकार की, उसी का हिस्सा है और उसी को वो अंजाम दे रही है। रही बात सऊदी अरब का नाम लेने की, तो दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी बिगाड़ने का काम इससे होगा। वैसे ही OIC ने कश्मीर के सवाल पर बहुत ही कड़ा रुख ले लिया है, वहाँ भी सऊदी अरब का रुख बदल चुका है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से मुसलमानों के साथ खासतौर पर दिल्ली में हो रहा है व्यवहार, उसको लेकर इस्लामी देशों में बड़ी चिंता है और उससे OIC के अंदर भी माहौल बदल गया है। तो अब इस्लामी देश जो है और भी ज़्यादा कड़ा रुख अख्तियार करते जाएंगे। इस्लामोफोबिया की वजह से खाड़ी देशों में नाराज़गी है, वो जाहिर भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सरकार का युद्ध रुख जो है देश के लिए भारी पड़ सकता है, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित कर सकता है। तो ये एक ख़तरनाक एंगल है। सरकार ने जो इस तरह से सऊदी अरब को इससे जोड़ा है, विदेशी साजिश को जोड़ा है, दंगे की साजिश में CAA के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को जोड़ दिया है, ये एक बड़ा प्लॉट है और ये प्लॉट बिल्कुल सरासर झूठ है, झूठा है, फर्जी है, ये साफ नज़र आ रहा है पहली ही नज़र में। लेकिन जाहिर है कि सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है, पुलिस के इस्तेमाल से प्रदर्शनकारियों का मनोबल तोड़ रही है और पूरे देश में एक मैसेज दे रही है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसका हश्र ये होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो चर्चा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे और sathhindi.com को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपसे फिर एक मुद्दे के साथ कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।